तो हेलो फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस आरके मोबाइल सॉल्यूशन में। आज हमारे पास एक हैंडसेट आया हुआ है जो कि पोको M2 का हैंडसेट है। इसमें पोको M2 भी कह सकते हो, रेडमी 9 Prime भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें दोनों का मदरबोर्ड बिल्कुल सेम है। तो वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मैं इसका फॉल्ड आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखो, चार्जिंग पे लगाए हमने, इसमें बैटरी का सिंबल आता है और चले जाता है। ये कम्प्लीटली डेड नहीं है। अगर फ़ोन आप डायरेक्टली ऑन करोगे तो ये फ़ोन डायरेक्टली ऑन नहीं होगा, ठीक है। इसमें चार्जिंग में भी लगा होगा तो भी फ़ोन ऑन नहीं होगा। देख सकते हो चार्जिंग लोगो आके जा रहा है। फ़ोन को ऑन करने की कोशिश करता हूँ, देख सकते हो फ़ोन वगैरह ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। इसमें कुछ हीटिंग का भी इशू नहीं है। बैटरी लगाने के बाद चार्जिंग जैसे लगा, कुछ हीटिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ है। इसमें एक बार हम शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। बैटरी से बैटरी मैं आपको चार्ज दिखा देता हूँ। देख सकते हो लगभग 3.8 वोल्ट हमारा है इसमें। इस कंडीशन में हमारा फ़ोन ऑन होना चाहिए, कम चार्जिंग लोगों तक के आना चाहिए। बैटरी में तो चार्जिंग है, ठीक है। मैं एक बार इसमें आपको मदरबोर्ड का शॉर्टिंग भी चेक करा के दिखा दूंगा। बोर्ड की कंडीशन भी बिल्कुल फ्रेश है, इसमें काम वगैरह नहीं हुआ है, ठीक है। शायद ये वाटर डैमेज हैंडसेट होगा, एक मेरे दुकानदार भाई ने भेजा है। आपको एक बार शॉर्टिंग चेक करा के दिखा देता हूँ। देख सकते हो फ्रेंड, फोन फुल शॉर्ट है। आपको डायरेक्ट मोड में चेक करा के दिखा देता हूँ। देख सकते हो कोई रीडिंग नहीं है यहाँ पे, दोनों साइड फुल शॉर्ट है, ठीक है। आपके पास ऐसा इस तरीके का फोन आया तो वीडियो को पूरा देखना, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। मैं एक बार क्या करूँगा, मैं पावर बैंक से एक DC शॉर्ट किलर बनाया हूँ, उसको मैं काम करता हूँ। इसमें जो इसका पावर बैंक का जो नेगेटिव वाला पॉइंट है उसको मैं ग्राउंड कर दिया है, और इसका जो बैटरी पॉजिटिव लाइन है उसमें मैंने शॉर्ट पावर बैंक का पॉजिटिव वाला पॉइंट दे रहा हूँ। देखता हूँ, कहीं पॉइंट हमारा उल्टा लग रहा है थोड़ा सा, मुझे यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क सेक्शन में हल्का हल्का हीटिंग नजर आ रहा, महसूस कर पा रहा हूँ। हीट हो रहा है नेटवर्क सेक्शन में, हीट हो रहा है। शॉर्ट किलर का पॉइंट मैं हटा दे रहा हूँ। अब नेटवर्क सेक्शन का जो शील्ड है उनको हम ओपन करेंगे, फिर आगे चेक करेंगे कि हमारा इसमें क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं। वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इस चैनल पे आपको मोबाइल रिलेटेड जो फॉल्ट वगैरह आते हैं आपको मिलता रहेगा। आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए आप बता देना। काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड हो रहा है कि टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का। कि एक वीडियो बनाने में काफ़ी समय लग जाता है, दो घंटा, ढाई घंटा, एक घंटा वीडियो के हिसाब से। यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, जो हमारा 2G नेटवर्क IC है उसके पास वाटर डैमेज हुआ है, तो उसमें शायद यहाँ पे कैपेसिटर वगैरह कुछ शॉर्ट है। इसको थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। क्लीन करने के बाद हम इसमें रोजिन अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे फिर से बार, अपने शॉर्ट किलर से हम वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे, फिर देखेंगे हमारा शॉर्ट कौन से वाले कैपेसिटर पे है, क्या IC शॉर्ट है, जो भी है आपको सामने ही देखने को मिल जाएगा फ्रेंड, ठीक है। मैं रोजिन अप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसी सेक्शन पे 2G IC के पास में ही मुझे शॉर्ट हीटिंग महसूस हो रहा था। देख सकते हो मैंने रोजिन अप्लाई कर दिया है फ्रेंड। हम शॉर्ट किलर यूज कर लेते हैं फिर से, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको अच्छे से दिखेगा नहीं।
मैंने इस वीडियो पे माइक्रोस्कोप मैंने यूज नहीं किया है, वो थोड़ा वीडियो बनाते टाइम थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस रहता है, इसलिए मैंने मोबाइल से ही इसको शूट करके फिर आपको दिया है ये वाला वीडियो। देख सकते हो आप, हमारा दो कैपेसिटर मेल्ट हो चुका है। हम कैसे इसमें रोजिन अप्लाई करेंगे देखेंगे, सबसे पहले कौन सा वाला कैपेसिटर मेल्ट होता है। जो वाला कैपेसिटर पहले मेल्ट होगा वही हमारा 100% वही वाला कैप शॉटिंग है फ्रेंड, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देख सकते हो ये जो हमारा पहले वाला जो कैप है नीचे से पहले वाला वो वाला कैप हमारा शॉर्ट है फ्रेंड, ठीक है। इसको हम रिमूव करेंगे। अब जब इसको ऐसे आपको अगर शॉटिंग वगैरह मिलता है आपके आपको निकालने के बाद उसका शॉट तो फोन तो चालू हो जाएगा, आपका 100% वर्किंग भी आ जाएगा, लेकिन आप जब भी ऐसा कोई कैपेसिटर वगैरह शॉर्ट है जब निकालोगे ना तो ज़रूर से वहाँ पर कैपेसिटर को वापस लगा देना किसी दूसरे स्क्रैप बोर्ड से, नहीं तो नेक्स्ट टाइम अगर कभी इसमें प्रॉब्लम आएगा तो डायरेक्टली इसमें आईसी ही खराब हो जाएगा, इसीलिए कैपेसिटर लगाना जरूरी। देख सकते हो हमारा रीडिंग जो है नॉर्मल हो चुका है फ्रेंड, शॉट हमारा निकल चुका है। हम एक बार इसमें चेक कर लेंगे कि फ़ोन हमारा ऑन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। बोर्ड को फिक्स कर लेते हैं पहले, देख सकते हो मोबाइल को मैंने चार्ज पे लगा दिया है, थोड़ा सा वेट कर लें। देख सकते हो पोको लिखा हुआ आ चुका है, हैंडसेट हमारा ऑन हो चुका है फ्रेंड। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्या हमारा कुछ और दिक्कत है कि कंप्लीटली फोन हमारा ऑन होता है कि नहीं होगा। देख सकते हो 40% लगभग इसमें चार्जिंग है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि बैटरी में जितना वोल्टेज दिखा रहा है हमारा कम से कम 20-30% चार्जिंग होना चाहिए। देख सकते हो फोन मैंने ऑन कर दिया है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो फ्रेंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना फ्रेंड, कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। देख सकते हो फोन हमारा सेकंड बूट पे आ चुका है, और थोड़ा सा वेट कर लेंगे। देख सकते हो फोन हमारा कंप्लीटली ऑन हो चुका है, ठीक है, सारे वर्किंग में है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।